हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईडू चैम्प लाइव क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि वोकेबुलरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने, ठीक है? तो ये शायद क्लास 5th है, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको कुछ पता है, जैसे वोकेबुलरी है उसको आप ऐसे तो याद नहीं कर सकते, तो मेरे पास जो मेथड है जैसे ग्रुप के अंदर याद करना है या फिर एक तरीके से मतलब कि लेटर वर्ड मैंने बताया था, तो आज एक लेटर वर्ड पर मैंने एक वर्ड लिया है, ठीक है? और कुछ ग्रुप के अंदर भी लिए हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड भी लिए हैं, तो काफ़ी कुछ मिक्सचर है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? तो पहला वर्ड मैंने, जैसे पहले तीन वर्ड मैंने स्टार्ट किए हैं, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं तीनों वर्ड, ठीक है? तो ये वर्ड है अपने पास, एक वर्ड है एडोप्ट, एक है अडाप्ट और एक है अडेप्ट। देखो इनका थोड़ा सा इसे ओ और ए और ई का ही चेंज है, ठीक है? लेकिन मीनिंग तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है। उस कैसे, जैसे अडोप्ट का मतलब क्या होता है? अडोप्ट का मतलब किसी, अपने जैसे बच्चा गोद लेते हैं तो उसको बोलते हैं अडोप्ट, ठीक है? गोद लेना इसका मतलब हो गया अडोप्ट। अडाप्ट होता है, जैसे इससे एक वर्ड बनता है अडेप्टेशन, ठीक है? अडेप्टेशन क्या होता है? आप किसी नई जगह जाते हैं, ठीक है? आप उन परिस्थितियों में, कंडीशंस में, यदि उनके अनुकूल बन जाते हैं, तो कहने का मतलब होता है आपने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, मतलब आप उस चीज़ के अनुरूप ढल गए, ठीक है? अडेप्टेशन होता है अनुकूलन। अपन साइंस में एक टर्म पढ़ते हैं अडेप्टेशन, दैट इज अनुकूलन, यानी आप किसी नई कंडीशन जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वैसे ही ढल जाते हैं, ठीक है? डाइवर्सिटी के अंदर, तो उसको बोलते हैं अडेप्ट। और इसके साथ अपन टू यूज़ करते हैं। देखो मैंने फिक्स प्रीपोजिशन भी लिखी है यहाँ पे, तो अडेप्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है, ठीक है? इसके बाद में जो वर्ड है वो है अडेप्ट, इसमें ई है, ए डी ई पी टी। अडेप्ट का क्या मतलब होता है? अडेप्ट का मतलब होता है निपुण कोई काम करने में, ठीक है? कुशल होता है, दक्ष होता है, अच्छा होता है, ठीक है? स्किल्ड आदमी बोलता है उसको, बोलते हैं अपन क्या, अडेप्ट, ठीक है? तो तीनों वर्ड हैं, सिमिलर दिखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है और मीनिंग डिफरेंट है। अडोप्ट, अडाप्ट एंड अडेप्ट, ठीक है? अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ये ज़्यादा यूज होता है, निपुण होता है, और इसके साथ दो प्रीपोजिशन आती हैं, एक होता है एट, एक होता है इन, ठीक है? अडेप्ट के साथ एट भी आता है और अडेप्ट के साथ इन भी आता है, तो तीनों वर्ड हो गए, ठीक है? तीनों वर्ड सिमिलर हैं, तो कन्फ्यूजिंग वर्ड में मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अब जो अडेप्ट वर्ड है इसको मैंने उठाया है और यहाँ पे मैंने इसके लेटर वर्ड बनाए हैं, ठीक है? लेटर वर्ड आपको पता है कि इसके प्रत्येक लेटर के ऊपर मैंने एक नया इसका सिनोनिम लिखा है, ठीक है? इसके अडेप्ट है ए डी ई पी और टी। अडेप्ट के प्रत्येक लेटर पे, हर एक लेटर के ऊपर मैंने एक नया वर्ड बनाया, एक या दो, जो इसका सिनोनिम है, मतलब सेम मीनिंग देता है, ठीक है? तो स्पेलिंग थी अपनी ए डी ई पी टी, ठीक है? अब ए पे अपने दो वर्ड बने हैं, एबल और एड्रोइट, ठीक है? एबल आपको पता है कि कोई काम कर सकता है, तो मैं एबल हूँ वो काम करने में। एड्रोइट वर्ड कहाँ यूज होता है, ठीक है? एड्रोइट वर्ड होता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं ये काम करने में दक्ष हूँ, ठीक है? तो उसके लिए एड्रोइट वर्ड आता है, इसके लिए इसका हिंदी हो जाएगा दक्ष, ठीक है? किसी काम को करने में जो कुशल और दक्ष पर्सन होता है उसको बोलते हैं एड्रोइट पर्सन, ठीक है? नेक्स्ट है डी। अपना डी के लिए दो वर्ड लिखे हैं मैंने, डेक्स्टरस, स्पेलिंग देख लेना इसकी, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, डी ई एक्स टी आर ओ यू एस, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस मतलब वो पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। देखो कभी भी आपको वोकेबुलरी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड मैंने पढ़ा है वो क्या है, क्या का मतलब, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा है वो पार्ट ऑफ स्पीच। तो एडेप्ट जो मैंने लिया था वो एडजेक्टिव है, मतलब कोई की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा, विशेषण बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है? तो एडेप्ट के जितने भी आप, मैं यहाँ सिनोनिम लिखूंगा, सारे के सारे आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है? तो इसका डेक्स्टरस वर्ड हो गया अपने पास, तो ये क्या है अपने पास, एडजेक्टिव है, ठीक है? आप चाहो तो, यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी किसी भी चीज़ की, तो जैसे कोई वर्ड आया, तो मान लो वो एडजेक्टिव है, तो आप उसकी नाउन बना लो, आप उसकी वर्ब बना लो, ऐसे बना सकते हो। तो इसकी नाउन क्या बनेगी आपको पता है, नाउन का मतलब आपकी अच्छाई, तो उसकी नाउन बनेगी डेक्स्टेरिटी, डेक्स्टेरिटी, डी ई एक्स टी ई आर आई टी वाई, डेक्स्टेरिटी, ये बन गई इसकी नाउन, ठीक है? तो ऐसे वर्ड इसकी जो ये है, इसको बोलते हैं डेप्थ के अंदर। जैसे आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव में आप कोई, जैसे कोई ब्लैंक भरते हैं तो उसके अंदर नाउन आएगा, उसके अंदर एडजेक्टिव आएगा, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप भरोगे। तो इसलिए एडजेक्टिव है, इसकी नाउन मैंने बना दी, ठीक है? और दूसरा वर्ड अपना डेप्थ है। डेप्थ का मतलब होता है कुशल आदमी, दक्ष आदमी। हाँ, डेक्स्ट्रेस के बाद में एक डेक्स्ट्रेस की एक कहानी बता देता हूँ आपको। जैसे ओल्ड टाइम्स में था, ओल्ड टाइम्स में, एंशंट टाइम्स में क्या होता था कि जो राइट हैंडर होता था, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, एंशंट टाइम्स के अंदर जो राइट हैंडर होता था, राइट हैंड मतलब कि जो अपने राइट हैंड से वर्क करता था, राइट हैंडर, उसको बोलते थे कि ये आदमी अच्छा है, कुशल है, दक्ष है, ठीक है? ये एंशंट टाइम की, अभी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? और जो लेफ्ट हैंडर होता था, लेफ्ट हैंडर, उसको बोलते थे, अभी भी गांव में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंडर को अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसको सिनिस्टर बोलते हैं, बिकॉज वो ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट हैंडर इज ए काइंड ऑफ एविल, ठीक है? तो उसको सिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है? ये लेटिन वर्ड से आए सारे सारे, तो लेटिन में राइट हैंड को बोलते हैं डेक्स्टरस, ठीक है? तो
तो उस टाइम से वर्ड बना कि राइट हैंडर को डेक्स्ट्रस बोलते हैं बिकॉज वो दक्ष होते हैं, पहले की बात है, और पहले ये बोलते हैं जो लेफ्ट हैंडर होता है इसका सिनोनिम होता है लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंडर का कौन था, सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब एक एविल पर्सन, ठीक है, एविल के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस की कहानी होगी यहाँ से, पुराने टाइम में आप राइट हैंडर को डेक्स्ट्रस बोलते थे क्योंकि कुशल होता था, और लेफ्ट हैंडर को बोलते थे सिनिस्टर, ये वर्ड भी याद कर सकते हो आप, लेफ्ट हैंडर यानी सिनिस्टर, वन वर्ड में आता बहुत बार, ठीक है। ई से बनता है एक्सपर्ट, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। पी से वर्ड बनता है प्रोफिशियंट, ठीक है, प्रोफिशियंट को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, एफिशिएंट वर्ड होता है एक, एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब किसी काम को यदि मेरे में एफिशिएंसी होती है, मैं सब कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एफिशिएंट हूँ, ठीक है, और प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और, प्रोफिशिएंट के साथ में एड प्रीपोजिशन आती है। वैसे मैं बात करूँ कि गुड है, जितने भी हैं, गुड हो गया आपका एक वर्ड और आएगा, स्किल्ड हो गया, ये इस साथ एट ही प्रीपोजिशन आती है कि आप किस चीज़ में गुड होते हो, ऐसे बोलते हो आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, तो गुड के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आती है। मैंने यहाँ लिखा भी आपको अभी बताने वाला हूँ, मैं लेकिन बता रहा हूँ पहले, गुड के साथ एट प्रीपोजिशन आती है। जितने भी आपके एडजेक्टिव हैं जो आपको अच्छा बताते हैं, सबके साथ मोस्टली आपके पास एट प्रीपोजिशन ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज टी, टी का मतलब टैलेंटेड, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। तो मैंने आज जो लेटर वर्ड लिया था अडेप्ट, उसके मैंने सारे लेटर्स पे नए वर्ड देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और सिनोनिम लिखे हैं, किसके, अडेप्ट के ही लिखे हैं, यानी कि कोई कुशल आदमी होता है, अच्छा होता है काम को करने में, उसके कुछ और सिनोनिम लिखे हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक लिखा मैंने स्किल्ड, ठीक है, जैसे मैंने इसके आगे ई क्यों लगाया, ठीक है, वर्ड तो अपना स्किल होता है, स्किल यानी बुद्धि, तो वो अपना नाउन होता है, मेरे को यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बना सकते हो, ईडी लगा के भी बना सकते हो, या पार्टिसिपल उसमें चलता आगे, ठीक है। स्किल होता है नाउन, नाउन को मैंने एडजेक्टिव बना लिया क्योंकि मेरे एडजेक्टिव चल रहे थे सारे के सारे, तो मैंने स्किल्ड पर्सन, यानी कि कोई स्किल्ड पर्सन होता है तो वो अच्छा होता है काम करने में, ठीक है। ये हो गया जिसमें बुद्धिमानी ज्यादा होती है, स्किल ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं स्किल्ड। ये वर्ड है, काफी बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत फेमस है। वेटरन, वेटरन पर्सन कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी भी फील्ड के अंदर, कोई फील्ड अपना मेंशन नहीं, कोई भी फील्ड हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो, मतलब कि जैसे उसकी उम्र 70-80 साल के आसपास है, तो उसको और वो कंटिन्यूसली वर्क कर अपने फील्ड के अंदर, तो उसको बोलेंगे वेटरन। जैसे अपने फॉर एग्जांपल बात करूँ तो मैं, जैसे अपने रनर थे पहले मिल्खा सिंह, उनको बोलेंगे वेटरन, क्योंकि वो अपने फील्ड के अंदर वेटरन पर्सनालिटी रहे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है उसके फील्ड के अंदर। तो वेटरन पर्सन होता है जिसको लॉन्ग लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों का, 30-40-50 सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलते हैं वेटरन पर्सन। तो कहने का मतलब कि स्किल्ड पर्सन ही हो गया है ना, तभी तो टिकता है इतने लंबे टाइम तक। ये वर्ड होता है कोनोजियर, एसएससी में इसको पूछा गया है बहुत बार एज ए, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक में आता है ये, कौन सा वर्ड मैं फिर राइट कर रहा हूँ, COONOISEUR, इसमें डबल एन आता है, डबल एस ही आता है, तो इसकी स्पेलिंग ढंग से देख लेना, COONOISEUR, कोनोजियर पर्सन होता है, कोनोजियर, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना, ठीक है। तो कोनोजियर पर्सन तो क्या होता है कि किसी फील्ड के अंदर विशेषज्ञ पर्सन होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, तो ये ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, हिंदी के अंदर विशेषज्ञ, ठीक है, एक्सपर्ट बोल सकते हैं इसको, कोनोजियर को। तो वन वर्ड के अंदर भी आता है ये पर्सन, कि कोई भी आदमी जो किसी फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा होता है, विशेषज्ञ होता है उसका, उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो उसको कोनोजियर बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो वेटरन बोलते हैं, स्किल्ड होगा, बुद्धिमान, ठीक है। तो ये हो गया अपना, अब चलते हैं उधर, ये है अपना गुड एट, इंटेलिजेंट इन, कमांड ओवर। मैंने तीन को ग्रुप बनाया यहाँ पे, गुड एट, इंटेलिजेंट इन एंड कमांड ओवर, तीनों का मीनिंग वैसे सेम ही है, तो मैंने इनको इंक्लूड क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि गुड के साथ मैंने एट प्रीपोजिशन लगाई है, इंटेलिजेंट के साथ मैंने इन लगाया है, और कमांड के साथ मैंने ओवर लगाया है। तो वर्क कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा, इसको कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के अंदर अच्छा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ठीक है। गुड के साथ क्या लिखा है मैंने, एट लगाया, ठीक है। इसी सेंटेंस में ऐसे लिखूंगा, आई एम इंटेलिजेंट एट नहीं आएगा, अब आएगा आई एम इंटेलिजेंट इन इंग्लिश, ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन इंटेलिजेंट क्या लगाया मैंने, इन लगाया। थर्ड जो सिमिलर मीनिंग देगा आपको, वो है आपका कमांड ओवर, ठीक है। क्या है कमांड ओवर, मतलब किसी चीज पे कमांड होना, तो किसी चीज का मतलब विशेषज्ञ होना। तो इसी सेंटेंस को कैसे लिखूंगा, आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, तीनों जो अपने सेंटेंस लिखे हैं, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। क्या मीनिंग है कि आप बताना चाहते हो कि आप इंग्लिश में अच्छे हो, लेकिन गुड के साथ एड प्रीपोजिशन लगाई मैंने, इंटेलिजेंट के साथ मैंने इन लगाया, और कमांड है उसके बाद मैंने ओवर यूज किया है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपने मैंने तीन वर्ड लिए,
उनके बारे में डिफरेंस बताया, एक वर्ड को मैंने लेटर वर्ड में सिलेक्ट किया, उसे कुछ सिनोनिम लिखे, ठीक है, और इधर मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बताया। अब मैं कंफ्यूजिंग वर्ड में चलता हूँ, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड, एक सीरीज आपकी कंफ्यूजिंग वर्ड की होगी और एक सीरीज होगी आपकी ग्रुप के अंदर, जिसमें मैं हमेशा मैं फोर्स करता हूँ कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी जितने भी सिनोनिम्स आप उनको ग्रुप में याद करें तो प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको वो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कंफ्यूजिंग वर्ड लिख रहा हूँ आज के, जो का जो दिखते सिमिलर हैं, ठीक है, उनका जो प्रोनंसिएशन है वो भी सिमिलर है, मीनिंग बहुत अलग है। जैसे मैं लिखता हूँ आपके, ठीक है, कुछ वर्ड हैं जैसे आपके जिनके एंड में आता है सी ई डी, ठीक है, कुछ वर्ड हैं जिनके एंड में सी ई डी ई आता है, कुछ वर्ड हैं जिनके एंड में आता है सी डबल ई डी, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कुछ वर्ड है जिनके एंड में आता है सी डबल ई डी, ठीक है, और कुछ वर्ड हैं, कुछ नहीं एक ही वर्ड है जिसके एंड में आता है एस ई डी ई। देखो कितने सिमिलर हैं, मैं आपको वर्ड लिखाऊंगा तो पता चलेगा कि कितना उनमें बिल्कुल माइनूट डिफरेंस है सबके बीच में, ठीक है। तो सी ई डी वाले सब ज्यादा हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। तो मैं वर्ड लिखता हूँ इसके, ठीक है, इसके वर्ड लिखता हूँ मैं, पहला वर्ड है एक्सीड, ये वर्ड हो गया अपने एक्सीड, ठीक है। दूसरा है एक रिसीड, एक है अपना सीसीड, सी ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये वाला वर्ड पहले बता दिया मैंने, ठीक है। एक आपका कंसीड, ये लास्ट ये वर्ड वो लिख रहा हूँ जिसके लास्ट में सी ई डी आता है, ठीक है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकते हैं ये वाले वर्ड, क्योंकि लास्ट में सी ई डी की जगह ये वाला कर दिया, थोड़ा सा चेंज है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसमें बता रहा हूँ आप। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसीड, और एक वर्ड आपका प्रीसीड, ठीक है। ये सारे वर्ड मैंने एक साथ लिख दिया आपके पास, मैं पहले इनका मीनिंग देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सीड वर्ड है, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेप्ट, कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। तो ये उसी से बना है, ठीक है, ये एक्सीड से ही एक्सेप्ट बना है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्वीकार करना, ठीक है। एक्सीड का मतलब क्या हो गया, एक्सीड का मतलब हो गया स्वीकार करना, ठीक है। रिसीड का मतलब क्या होता है, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, जैसे आप किसी को युद्ध करने जाते हैं, ठीक है, और वहां पे आप पीछे हट जाते हैं तो उसको बोलेंगे रिसीड, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, पीछे हटना हो गया, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, सी सीड वाला कब क्या था, फिर से मैं बता देता हूं आपको, कि मैंने कल आपको बताया था कि ब्रेकअप, एक आपको बताई थी ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब क्या बताया था मैंने, कि ब्रेक के साथ मैंने आप लगाया था तो नई फ्रेजल वर्ब बनाई थी, इसका मतलब होता है संबंध तोड़ना, मैंने आपको इसके सिनोनिम में ये वर्ड बताया था, कल की ही बात है। तो सीसीड का मतलब क्या हो गया, यदि आप संबंध तोड़ते हैं, ठीक है, संबंध में से पीछे हट जाते हैं, संबंध तोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, सीसीड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंसीड, तो कंसीड के तो कई मीनिंग होते हैं, कंसीड का मतलब पहले तो होता है हार मानना, ठीक है, कंसीड का मतलब क्या हो जाएगा, हार मानना और सहमत होना किसी चीज से, ठीक है। कंसीड का मतलब आप ऐसे बोल लो कि आपको किसी ने कोई बात बताई, आपने उसकी बात मान ली, चाहे कैसे भी मान ली हो, उसने फोर्सफुली समझाया आपको या फिर आपको वॉलंटरली समझाया हो, लेकिन आपने उसकी बात मान ली, आपने हार स्वीकार कर ली, कहने का मतलब उसके सामने आप थोड़े नीचे हो गए, तो आपको बोलेंगे कंसीड, ठीक है। कंसीड एक वर्ड, जैसे नॉर्मल बात करूं, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई क्रिकेट का मैच है, उसमें कोई बॉलर ने रन दिया, ठीक है, मान लो कि उसके बॉलर चौका लग गया, तो एक्चुअली उसने 4 रन्स कंसीड कर दिए, एक तरह से ये सेंटेंस होता है, ठीक है। कंसीड का मतलब आपने उसके बैट्समैन के सामने हार मान ली, 4 रन आपके चले गए, तो आपने 4 रन कंसीड किए हैं, ठीक है। तो ये वर्ड क्या हो गया, इस वर्ड का मीनिंग हो गया हार मानना। देखो एक वर्ड भी, कोई भी वर्ड होता है तो उसके पीछे की स्टोरी बना लेते हैं तो थोड़ा याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरसीड, पहली बात तो इसके आगे इंटर आ रहा है, इंटर का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में क्या, दो लोगों के बीच में आप जैसे होता है ना कि दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, आप चाहते हो बीच में, हाँ मैं हूँ, मैं आपका सुलझा दूंगा आपका जो भी मैटर है, तो आप मध्यस्थता करते हो। मध्यस्थता मतलब दो लोगों के बीच में आप जाते हो कि हाँ तेरा पक्ष तू रख, तू रख तेरा पक्ष रख, मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। तो इंटरसीड क्या हो जाएगा, इंटरसीड का मतलब हो जाएगा कि मध्यस्थता करना, ठीक है, मध्यस्थता करना, ठीक है, दो लोगों के बीच में जाना। इंटरवर्ड आ रहा है, इसी से आप याद कर सकते हो, इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में जाकर आप अपनी पक्ष रखोगे कि मैं, तुम दोनों बात बताओ, मैं डिसाइड करूंगा विच वन इज राइट, ठीक है। प्रीसीड क्या मतलब हो गया, प्रीसीड, प्रीसीड मतलब आगे को, इसमें प्री आ रहा है, पी आर ई, पी आर ई का मतलब क्या होता है, पहले का, ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले का। तो प्रीसीड का मतलब होता है कि कोई किस चीज को आप पहले लाते हैं,
किस चीज़ को आप प्राथमिकता देते हैं, किस चीज़ को आप पहले करना चाहते हैं। आपके पास 10 ऑप्शन हैं एंड आप सेलेक्ट करते हो कि मैं तो इस पे जाऊंगा, इस पे मैं पहली बार इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रीसीड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, प्राथमिकता देना, ठीक है, या फिर पहले आना। ठीक है, कोई चीज़ पहले आती है, एक वर्ड बनता है आपको बता दूं मैं, इसी से बनता है प्रिसीडेंस। ठीक है, प्रिसीडेंस क्या होता है, प्रिसीडेंस होता है किस चीज़ आपके आपसे पहले आती है, आपसे पहले लाइक करती है, तो उसको बोलते हैं प्रिसीडेंस। इसी से बना है, प्रीसीड से ही बना है। ठीक है, तो प्रिसीड का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ आपसे पहले आती है, ठीक है, या फिर आप उसको प्राथमिकता देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन के अंदर से, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिकता देना या फिर पहले आना। तो इसका मीनिंग लिख रहा हूं मैं, प्राथमिकता देना। ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए सीईडी के, तो और भी हो सकते हैं, मेरे पास इतने थे तो, ठीक है, तो सीईडी के मैंने बता दिए हैं, अब मतलब सीईडी, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, इसके वर्ड देखते हैं अपन सीईडी के। ठीक है, तो इसके थोड़े कम है, एक्सीड, प्रोसीड और सक्सीड। ठीक है, इसके तीन वर्ड मिले मेरे को, एक्सीड, प्रोसीड एंड सक्सीड। ठीक है, इन सारे वर्ड्स के एंड में आपका क्या आता है, सीईडी, सीईडी एंड सीईडी। ठीक है, देखो सक्सीड से आपका सक्सेस बना है, ठीक है, और प्रोसीड से प्रोसेस बना है, और एक्सीड क्या होता है, एक्सीड मतलब ये होता है, एक्सीड का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ आपसे बहुत आगे जा रही है, एक्सीड कर गई आपसे ज़्यादा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आपने 100 मीटर की रेस लगानी थी और आपने 100 की जगह 105 लगा दी, तो आप एक्सीड कर गए उस लिमिट को, आपके पास कोई लिमिट होती है आप उसको उससे ऊपर चले जाते हैं, तो आपने वो लिमिट एक्सीड कर दी, उसका मतलब क्या होता है, एक्सीड करना। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब क्या हो गया, एक्सीड का मतलब हो गया अधिक होना, अधिक होना, सिंपल वर्ड है एक्सीड होना। ठीक है, एक्सीड होना ज़्यादा हो जाना। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, प्रोसेस इससे बनाए, ये आपकी वर्ब है, सारी वर्ब लिख रहा हूँ। प्रोसेस क्या होती है आपकी, प्रोसेस क्या होती है आपकी, नाउन होती है। ठीक है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया पीछे तो होती नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते हैं, आप आगे कुछ काम करते हैं, तो प्रोसेस का मतलब आगे कोई काम होना, आगे बढ़ना, उससे प्रोसेस वर्ड बना है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या, कार्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये वर्ब है, मैं वर्ब लिख रहा हूँ सारी की सारी, कार्य को गति देना, कार्य को आगे बढ़ाना, दो सब इसके मीनिंग हो जाएंगे प्रोसीड के। ठीक है, सक्सीड मतलब, सक्सीड का मतलब सबको पता है, सफल होना। ठीक है, इससे वर्ड बना सक्सेस, सक्सेस आपका नाउन, सक्सीड है वर्ब। ठीक है, सफल होना, ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड हैं, इसके एंड में सी ई डी आता है, कुछ के एंड में सी डब्ल्यू ई डी आता है, जो मैंने डिस्कस कर लिए, और कोई भी वर्ड हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि इतने ही वर्ड हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर, और जो मैंने एक वर्ड बताया था लास्ट में उसका तो एक ही वर्ड मिला मेरे को एस ई डी ई का, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ वर्ड आपको बता दिए, अब इसका वर्ड देख लेते हैं अपन, एस ई डी ई, ऐसा वर्ड जिसके अंत में एस ई डी ई आता है वो है आपका इंटरसीड होना चाहिए, सॉरी इंटरसीड नहीं, सुपरसीड, एस यू पी ई आर एस ई डी ई, सुपरसीड, इसका मतलब एक ही मीनिंग मिला है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई आपके पास कोई पोस्ट है, उस पर कोई पर्सन था, आपने उसको रिप्लेस कर दिया और आपने उसको जगह ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, आप उसकी जगह चले गए, तो आपने उसको सुपरसीड कर दिया, मतलब आपने उसको वहां से हटा दिया और आप वहां पे चले गए। ठीक है, तो किसी को किसी जगह से हटा देते हैं अपन, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, वर्ड याद आ रहा है मेरे को, रिप्लेस। ठीक है, तो ये हो गया रिप्लेस। सुपरसीड का मतलब क्या हो गया, किसी को रिप्लेस करना और खुद जाके बैठ जाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसीड यानी रिप्लेस करना। ठीक है, इसका एक सिनोनिम होता है बहुत अच्छा, जो कि पूछा जाता है, ये होता है ओ यू एस टी, इसको बोलते हैं आउस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आउस्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है, रिप्लेस करना किसी को, उसके स्थान पर जाके बैठ जाना। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड बताए मैंने, सी ई डी ई, सी डबल ई डी और ये वाला एस ई डी ई। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ग्रुपिंग का बताया था कि ग्रुप के अंदर वर्ड याद करने, तो ग्रुप के अंदर मैं जो लेके आया हूँ आज वो थोड़े डरावने हैं। जैसे अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं कि जैसे अपने को पता नहीं आता अपन घोष्ट के लिए क्या यूज करते हैं, घोष्ट का हिंदी क्या होता है, एविल का क्या होता है, मॉन्स्टर का क्या होता है, ठीक है, राक्षसों क्या बोलते हैं, तो सारे के सारे वर्ड मैंने ग्रुप के अंदर तैयार कर लिए हैं, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जितने वर्ड मेरे को मिले उतने सारे मैंने राइट कर लिए हैं। ठीक है, पहला वर्ड अपना, ठीक है, ग्रुप के अंदर हैं सारे, तो हमेशा मैं ग्रुप वाला वर्ड लेके आता हूँ। पहला वर्ड अपना घोष्ट, ठीक है, मीनिंग बाद में डिस्कस करेंगे, वर्ड लिख रहा हूँ मैं। दूसरा वर्ड है स्पेक्ट्रे, दूसरा वर्ड अपना एस पी ई सी टी आर ई, स्पेक्ट्रे। ठीक है, एक अपना गोब्लिन, एक वर्ड अपना ओग्रे। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट के तीन हैं, तीनों लिख रहा हूँ मैं, तीनों का मीनिंग सेम होता है। ये होता है डेमोन, ठीक है, एक होता है डेविल, एक होता है अपना मॉन्स्टर, ठीक है। ये सारे वर्ड लिख रहा हूँ इधर, और एक वर्ड अपना विच, उसके बाद में अपना एंजल। एंजल के दो वर्ड आते हैं थोड़े से, एक वर्ड आता है वो आज मैं बताऊंगा आपको एंजल, एक वर्ड आता है होप या एल्फ, और एक वर्ड आता है आपके पास वेम्पायर, ठीक है। तो कितने वर्ड हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः और तीन, नौ हो गए। नौ वर्ड हैं। नौ का वैसे जनरल मीनिंग तो वही होता है, भूत चुड़ैल जितना भी है, लेकिन इनका सबसे अलग मीनिंग होता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो घोष्ट आपको पता है, घोष्ट का मतलब होता है भूत, ठीक है। ये वर्ड सारे के सारे एक जगह ग्रुप करने वाले थे, ग्रुप में होने वाले थे, तो मैंने इनको एक जगह इंक्लूड कर लिया। स्पेक्टर का मतलब क्या होता है, स्पेक्टर मतलब होता है प्रेत। देखो वैसे तो अपन ऐसे बोलते हैं भूत प्रेत आ गया, लेकिन दोनों डिफरेंट थिंग है, डिफरेंस क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मीनिंग घोष्ट का भूत होता है, स्पेक्टर का प्रेत होता है, ठीक है। गोब्लिन का मतलब क्या होता है, गोब्लिन का मतलब पिशाच, ठीक है, गोब्लिन का मतलब होता है पिशाच, ठीक है। सबके मीनिंग देख लेना अलग अलग है, घोष्ट का भूत है, स्पेक्टर का प्रेत है, गोब्लिन का पिशाच। ओग्रे का मतलब है शैतान, ठीक है। आप चाहें तो शैतान को घोष्ट भी बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग लाइक घोष्ट, बट देयर इज समथिंग अलग मीनिंग भी होता है इसका। ओग्रे मतलब शैतान भी होता है, ठीक है। डेमोन, डेविल और मॉन्स्टर, ये होता है। देखो मॉन्स्टर किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि राक्षस बहुत बड़े होते थे पहले के जमाने में, उनका मतलब कि वो बॉडी में काफी हैवी होते थे, तो मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, मॉन्स्टर एक सिनोनिम किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई आदमी जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है। डेविल और डेमोन उसका क्या बोलते हैं, राक्षस, ठीक है। तो भूत प्रेत पिशाच शैतान और राक्षस, विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब चुड़ैल होती है आई थिंक, हाँ चुड़ैल, ठीक है। चुड़ैल होती है कि जो जादूगर नहीं बोल सकते हैं इसको, विच को, ठीक है, विच यानी चुड़ैल, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है। अब एंजल जो वर्ड आता है, एंजल वर्ड आता है, इसके साथ जो वर्ड आता है एंगल, जो अपन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग ये होती है ANGLE, उसको बोलते हैं कोण, ठीक है। एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं अपन कोण, तो ANGLE कोण होता है, और ANGEL क्या होता है, वो होता है फरिश्ता। लोगों ने ऐसा बना रखा है कि जो एंजल होती है वो फीमेल होती है, ऐसा कुछ नहीं है, एंजल बोथ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फरिश्ता होता है तो ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। एंजल को मोस्टली क्या मानते हैं, फीमेल है, लेकिन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। होब और एल्फ, HOB, और इसका ही मीनिंग होता है ELF, एल्फ, ठीक है। होब और एल्फ क्या होता है, ये होता है परी, तो ये बात है कि ये फीमेल होती है, ठीक है। फरिश्ता दोनों हो सकते हैं, ठीक है, उसको एंजल बोलते हैं, और जो परी होती है उसको बोलते हैं होब और एल्फ, और ये फीमेल होती है, ठीक है। तो मैंने कितने वर्ड हो गए, लास्ट बचा अपना भूत प्रेत पिशाच शैतान राक्षस चुड़ैल फरिश्ता और परी, अब लास्ट बचा वेम्पायर। जैसे आपने यदि हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो उनमें ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज करते हैं, तो ऐसे कोई शैतान बनाते हो, ऐसे डेविल बनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या होता है, उनका काम सिर्फ होता है रक्त चूसने का, ठीक है, तो खून चूसते हैं। तो वेम्पायर किनको बोलते हैं, जो राक्षस रक्त चूसने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे राक्षस जो रक्त चूसने का ही काम करते हैं, उनका यही होता है कि वो मूवीज में इसलिए यूज होते हैं कि उनको बस यही काम होता है, तो उनको वेम्पायर क्या मतलब होगा, वेम्पायर का मतलब वैसे तो आप कुछ भी बोल सकते हो जनरल मीनिंग में, लेकिन यदि इनको डिफ्रेंशिएट करना सारे मीनिंग को, तो आप उसको बोलोगे रक्त चूसने वाले राक्षस, ठीक है। तो कितने वर्ड हो गए, नौ वर्ड हैं, सबका मीनिंग अलग अलग है। इसके तीन सिनोनिम है, डेमोन, डेविल, मॉन्स्टर, ठीक है। मॉन्स्टर का मतलब बड़ा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा। विच होता है वो चुड़ैल। एंजल का ध्यान रखना, एंजल मतलब फरिश्ता, और एंजल के साथ जो वर्ड बनता है वो एंगल है, ANGLE, एंगल का मतलब कोण होता है, और ANGEL होता है फरिश्ता, होब या एल्फ होती है परी, वेम्पायर होता है रक्त चूसक, ठीक है। तो ये वर्ड थे आज के, पहले लेटर वर्ड बताया मैंने, एक कन्फ्यूजिंग वर्ड बताए, उसके बाद मैंने ग्रुप के अंदर वर्ड बता दिया, ठीक है। सो जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ, और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको देता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है।